मैंने अपनी लाइफ में ना स्ट्रेच मार्क्स पहले कभी देखे थे और ना सेल्यूलाइट। तो हाँ, आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बहुत ही ज्यादा अचंभे का फर्स्ट रिएक्शन था कि क्या, क्योंकि उससे पहले मैं एज बाकी सबकी तरह मैं वर्कआउट कर रही थी, मैं डाइटिंग कर रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था दैट मुझे अपना बेस्ट दिखना है इस टाइम पर। और उसी तरीके से एक एक्ट्रेस की जर्नी आगे बढ़ती है। मैंने अपने ट्रेनर को, जो कि मेरे वर्कआउट ट्रेनर है, ब्लॉक कर दिया था। मैं पतीला भर भर के चावल नहीं खा सकती थी। जनरली हम अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब इन शॉर्ट स्लिम एंड ट्रिम रहना चाहते हैं, बट आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाली हूँ उन्होंने अपने रोल के लिए 20 किलो वजन बढ़ा लिया। हाय मोनिका, वेलकम टू नवभारत टाइम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये कितना डिफिकल्ट था 20 किलो वजन बढ़ा लेना? ऑनेस्टली आई डोंट नो एक्चुअली हाउ टू डिस्क्राइब इट, क्योंकि वेट बढ़ा लेना, जब ये मुझे इनिशियली बोला था मेरे डायरेक्टर ने कि आपको वेट पुट ऑन करना है, सो इन माई हेड आई थॉट क्या होगा, चॉकलेट्स, पिज्जाज, बर्गर्स। लेकिन जब आप एक्चुअली ये करने रखते हो, आई रिमेम्बर आई वॉज 21 एंड आई कॉल्ड माई मॉम एंड आई जस्ट कम टू द इंडस्ट्री। मैं बिल्कुल आई थी, मुझे 1 साल भी मोटा मोटा हुआ नहीं था, और आई कॉल्ड माई मॉम सेइंग कि मम्मी बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब आप एक अनहेल्दी वेट पुट ऑन करते हो तो उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप लेथार्जिक होते हो, आप आपकी बॉडी उस तरीके से, स्पेशली एट दैट एज जब मुझे आदत थी अपनी बॉडी में उतना एनर्जी रखने की या उतना एक्टिव होने की, दैट एनर्जी वाज नॉट देयर एनी मोर। और हम लोग 12, 13, 14 घंटे की शिफ्ट्स कर रहे थे, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड मोर देन दैट, तो जब भी आप ऐसे अननेसेसरी वेट पुट ऑन करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं आपके स्किन क्वालिटी पे, स्किन एज पे। मैंने अपनी लाइफ में ना स्ट्रेच मार्क्स पहले कभी देखे थे और ना सेल्यूलाइट, और अब मैंने अपनी लाइफ में वो दोनों देख लिए हैं, और शायद दोनों जिंदगी देखती रहूंगी बिकॉज ऑफ थैंक्स टू सॉल्ट सिटी। तो हाँ, आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पर क्योंकि मुझे ईला के किरदार से इतना प्यार था, और क्योंकि मैं वो पोर्ट्रे करना चाहती थी किसी भी हालत में, और मैं नहीं चाहती थी कि इस रीजन की वजह से स्पेशली, जो कि बहुत ही ज्यादा बॉडी और ये सब चीजें, इस रीजन की वजह से मैं नहीं उसे जाने देना चाहती थी एटलीस्ट अपने हाथों से उस वक्त। तो हाँ, आसान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन क्या मैं प्राउड हूँ अपने आप से? यस। क्या मैं रिग्रेट करती हूँ डिसीजन? नो। तो मोनिका, जब आपने सुना था कि 20 किलो वजन आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? प्रेरणा फर्स्ट रिएक्शन था बहुत ही ज्यादा अचंभे का, फर्स्ट रिएक्शन था कि क्या, क्योंकि उससे पहले मैं एज बाकी सबकी तरह मैं वर्कआउट कर रही थी, मैं डाइटिंग कर रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था दैट मुझे अपना बेस्ट दिखना है इस टाइम पर, और उसी तरीके से एक एक्ट्रेस की जर्नी आगे बढ़ती है। लेकिन फिर अचानक से ये किरदार आता है ईला का, और ऋषभ अनुपम सहाय जो डायरेक्टर हैं वो मुझे मिलके बोलते हैं कि आप हमें बहुत पसंद है। मैंने बोला थैंक यू, उन्होंने बोला ठीक है, तो अभी आपको इस शो में मैं बता देता हूँ मोटा मोटा 20 किलो वजन बढ़ाना है। और मैं उनकी शक्ल बस देख रही हूँ कि हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला कि आप फिर किसी ऐसी लड़की को भी कास्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी हु हैज जिनका मुझसे ज्यादा वेट है। लेकिन बिल्कुल उन्होंने मुझे बोला कि हम थ्रू आउट द जर्नी
क्योंकि ईला का कैरेक्टर उस स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है जहां वो खुद भी अपने वेट से स्ट्रगल कर रही है, जहां वो खुद भी एक टिपिकल दुल्हन, जैसे सारी दुल्हने, मेरी बेस्ट फ्रेंड की अभी शादी हुई थी तो वो भी पूरा उसने 4 महीने कीटो डाइट किया है ताकि वो अपने वेडिंग डे पे परफेक्ट लग पाए। सो ईला का भी वही स्टोरी है। थ्रू आउट द सीरीज उसे अलग अलग वेट पे दिखाया गया है, जहां बीच में वो वेट लूज करना स्टार्ट कर देती है, उसके टीनेज पे वापस जाते हैं, जब उसका फ्लैशबैक पे वापस जाते हैं तो शी उसका वेट कम है, उसका वेट जो भी 20 किलो कम है, फिर बाद में 20 किलो ज्यादा, तो ही सेड कि नहीं मुझे ये तो मैं कास्ट नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें ये चैलेंज जरूर दूंगा कि तुम करोगी या नहीं करोगी। तो यस, इट मैं बहुत ज्यादा शौक थी लेकिन बिकॉज मुझे कैरेक्टर इतना अच्छा लगा था तो मैंने किया। अच्छा, डाइटिंग वाइटिंग छोड़ के खूब पिज्जा चॉकलेट्स एंड ऑल सब मन मर्जी का सब कुछ खाया होगा फिर तो, कैसी थी वो जर्नी? एक्चुअली प्रेरणा, मुझे लगा था कि वो जर्नी होगी बहुत अच्छी क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे ही मैंने ये प्रोजेक्ट लिया था मैंने अपने ट्रेनर को, जो कि मेरे वर्कआउट ट्रेनर हैं, ब्लॉक कर दिया था। oh God. क्योंकि मुझे लगा था कि सर प्लीज आप जाइए, अभी 3-4-5 महीने जब तक मैं ये शो कर रही हूँ तब तक तो मुझे वेट पुट ऑन करना है, और हेल्दी पुट ऑन एटलीस्ट उस एज पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता था कि वेट भी पुट ऑन करना है फिर मैं हेल्दी तरीके से भी करूं, क्यों मैं पतीला भर भर के चावल नहीं खा सकती थी, वो पेट पुट ऑन करने के लिए एक पूरा डोंगा भर के चावल खाओ, तो मैंने सोचा नहीं नहीं नहीं, सबसे आसान और सबसे अच्छा ऑप्शन ब्रेकफास्ट 4 समोसे, लंच चीज बर्स्ट 2 पिज्जास मीडियम, देन इवनिंग स्नैक डिजर्ट चीज केक्स रसगुल्लास गुलाब जामुन एंड डिनर वॉज उतना ही हैवी। तो इनिशियली मजा आया लेकिन वो मजा रहा 2 दिन तक, और 2 दिन के बाद मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था, और मुझे याद है एक पॉइंट ऐसा था कि मैं खाते हुए भी रो रही थी और मुझे उल्टियां आ रही थी, क्योंकि एक इंसान का एपेटाइट से ऊपर अगर आप खाते हो, और स्पेशली अगर आपको, क्योंकि शूट अगर आने वाला है, अगर लेट्स से 25 दिन बाद शूट है और 25 दिन में आपको वो वेट गेन करना है और मुझे सामने से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका वेट नहीं दिख रहा है, तो मैं खाते जाऊंगी, आई डोंट नो हाउ टू, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इसको मैं कैसे कैसे, क्योंकि बॉडी है मेरे हाथ में नहीं है, वो 10-15-20 किलो कितना गेन हो रहा है वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे हाथ में सिर्फ यही था कि एक पॉइंट के बाद मैं सिर्फ ठूस रही थी, और वो सच बताऊं तो प्रेरणा एक बुरे सपने की तरह है, स्पेशली उस तरीके से खाना, क्योंकि मैं उल्टियां कर रही थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो नहीं वो जितना फन मैंने सोचा था कि पिज्जा बर्गर पार्टी होगा वो नहीं था। आई ऑल्सो रियलाइज के पिज्जा बर्गर पार्टी भी अगर अपनी मर्जी से करो ना सिर्फ तभी मजा आता है, अगर आपको फोर्सफुली करवाया जाए या करना पड़े तो मजा नहीं आता, डिफिकल्ट हो जाता है, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, तो ये वेट गेन की जो जर्नी है कितने दिन में आपने पूरी की, कितने टाइम में आपने अपना 20 किलो वजन बढ़ा लिया था? हमारे पास मुझे याद है कुछ 1.5 महीने का टाइम था जब मुझे ये पता चला था, और उसके बाद मैंने 5 दिन का टाइम लिया था टू ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मुझे ये अपनी बॉडी के साथ करना है, स्पेशली उस एज पे जब मैं बिल्कुल नई नई आई थी, मुझे चूज करना था कि मैं किस तरफ अपने आप को ले जा रही हूँ, क्या मैं बड़ी बड़ी बातें और ये सब क्राफ्ट से प्यार और ये सब मैं अपने आप को आइडिया समझा रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली अपनी बॉडी को आई वोंट से खराब करना लेकिन इतने डिफिकल्ट चीज से निकालना, और फिर सोचना कि अरे इसके बाद वापस भी लूज करना है,
और वो वापस लूज करने के लिए मेरे पास एक ट्रेनर और वो सब एक डाइटिशियन एटलीस्ट उस वक्त परमानेंट करना पड़ेगा ट्रेनर को, राइट? और वो करना भी हम सेइंग के उतना डेडिकेशन दिखाना या उतने उस लेवल की टीम कि मुझे वापस पुश भी कर पाए, क्या पता मैं वहीं रुक जाऊं, कि टीम भी मेरे पास ऑनेस्टली थी नहीं. एनीवे 5 दिन बाद आई स्पोक टू माय गुरु हु आई ऑलवेज कॉल, मैं उनको हमेशा फोन करती हूँ. उनका नाम मिस्टर अरविंद गौड़ है, मेरे अस्मिता के थिएटर टीचर है. मैं उनको हमेशा कॉल करती हूँ कि सर मैं क्या करूँ, और उन्होंने बोला कि दिल की सुन, तुझे कैरेक्टर करना है. मैंने बोला हाँ करना है. तो उन्होंने बोला तो कर. तो मुझे याद है 1.5 महीना था, 1.5 महीने तक मैंने पूरा ट्राई किया. पहले मैंने जो हेल्दी तरीका था, हेल्दी मतलब जो क्लीन फैट था, वो खाने की कोशिश करी, और एक पॉइंट बाद मैंने गिव अप कर दिया और मैंने पिज्जाज बर्गर्स जो भी तला हुआ खाना, समोसे सब खाना शुरू किया. लेकिन उसके बाद भी, फूसने के बाद भी 1.5 महीने बाद तक मेरा शायद 12 किलो वेट पुट ऑन हो पाया था, और वो स्क्रीन पे वैसा नहीं दिख रहा था जैसा वो चाहते थे कि दिखे. फिर शूटिंग स्टार्ट हो गई थी और मुझे कांस्टेंट प्रेशर था बहुत बहुत सारे लोगों से, फ्रॉम माय टीम, जो सॉल्ट सिटी की टीम थी, क्योंकि मैं कैरेक्टर लग ही नहीं रही थी. तो शो स्टार्ट होने के बाद भी मेरा कंटिन्यूस जर्नी चलता रहा जब तक मैं वो वेट पर नहीं पहुंच गई, और जब तक मेरा लाइफस्टाइल ही वो नहीं बन गया कि मैं अनहेल्दी ही खाती हूँ. और इवेंचुअली हम लोग 20 किलो वेट बढ़ा चुके थे शायद 2 महीने बाद. तो 2 महीने का टाइम के लिए लगा. अच्छा, ये वेट गेन के बाद कभी मन में इस बात का डर नहीं लगा कि यार अब तो मैंने इतना वेट गेन कर लिया, अब ऑडियंस मुझे इसी तरीके से देखेगी उस बात का? क्योंकि मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही थी तो मैंने कहा यार वेल मेंटेन, कितनी मेहनत लगी होगी गेन करना फिर उसके बाद दोबारा रिड्यूस करना. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे से लगता है मुझे दो, मैंने बहुत मेहनत की है. एनीवे नहीं, उस टाइम पर एक्चुअली उससे पहले मैंने एक ही शो किया था जिसका नाम है अपहरण, और अपहरण में मेरे दांतों पर ब्रेसेस लगे हुए थे और मुझे उसका रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ चुका था. तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही यंग एज पे ये समझ लिया था कि आपको स्क्रीन पे अच्छा नहीं दिखना है, आपको स्क्रीन पे ईमानदारी से काम करना है, और अगर आप ईमानदारी से दिल से काम करते हो तो अगर आपके ब्रेसेस भी लगे हैं तो भी ऑडियंस आपके किरदार को प्यार करती है. मुझे आज तक उसी के मैसेजेस, अभी भी अगर मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मेरे फोन पे मैं इतना श्योर हूँ 100% मेरे पास मैसेजेस होंगे कि अपहरण वी लव द कैरेक्टर, अनुषा हमें बहुत पसंद है, ये है वो है. तो ये मुझे समझ आ गई थी बात. तो नहीं, मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं अच्छी नहीं दिखूंगी तो क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे अपनी लाइफ में एक कैरेक्टर बन के कभी रहना नहीं है. मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी वर्सटाइल हूँ कि मैं हर कैरेक्टर कर पाऊँ. तो जैसे ही सॉल्ट सिटी खत्म हुआ, मेरा गोल था कि मैं वापस एक नॉर्मल बॉडी शेप में, जो मेरा नॉर्मल है, मैं वहां वापस आ जाऊंगी ताकि मैं और किरदार कर पाऊं. पेरेंट्स रेडी थे आपके जब उन्होंने सुना कि 20 किलो वजन बढ़ाना पड़ेगा, पूरी शेप चेंज हो जाएगी? काफी कन्विंस करना पड़ा होगा. एक्चुअली नहीं, मेरी मम्मी मेरी मम्मी की, हम लोग राजस्थानी फैमिली से है, मेरी मम्मी दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, मेरे पापा दुनिया की सबसे अच्छी कढ़ी बनाते हैं, और मैं इनमें से कुछ भी बहुत टाइम पहले से खाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं थिएटर करती थी दिल्ली में, मैंने तभी से डाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था. और एक क्योंकि अचानक से मेरे घर वालों को लग रहा है कि हमारा खाना हेल्दी नहीं है, कैसे है? और मैं, मम्मी कह रही है मेरी सब्जी, मेरे बाजरे की रोटी हेल्दी नहीं है.
तो और मैं उन्हें समझा नहीं, मैं उनको कह रही हूँ मुझे प्रोटीन खाना है. तो ये सब डिबेट तो चलता रहता था. तो जैसे ही मेरी मम्मी को पता चला कि ये रोटी खाएगी, मेरी मम्मी तो सातवें आसमान पर थी और वो बहुत खुश थी, टू माय सरप्राइज आल्सो. लेकिन मुझे याद है जब मैंने उनसे डिस्कस किया था कि जब एक्चुअली में हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए थे और मैंने मम्मी को रोते हुए कॉल किया था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब मुझे मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मैं लेथार्जिक हो रही हूँ, मेरे बॉडी पे अजीब से निशान आ रहे हैं और अब मुझे नहीं पता कि मैं ये वेट कैसे लूज कर पाऊंगी, तब मेरी मॉम काफी डर गई थी. और हालांकि मुझे से लगता है वो जितना भी डरते हैं वो हमें कभी मुझे दिखा तो पाते नहीं, अब मुझसे ज्यादा वो डरते हैं, लेकिन वो ऐसे ही थे बोथ माय पेरेंट्स के, बेटा आप कर लोगे और आप अपने क्राफ्ट के लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान देखता है मेहनत और ये सब. तो हाँ, इनिशियली वो बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं डर गई थी वैसे वैसे थोड़ा वो भी डर गए थे. अच्छा मोनिका, मैं ट्रेलर देख रही थी तो मिड ऑफ द ट्रेलर मैंने देखा आप शाउट कर रहे हो, तो मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा, मुझे देख के काफी रियलिस्टिक लगा. तो मैं रोल समझना चाहूंगी, एग्जैक्टली आपका रोल है क्या उस सीरीज में? थैंक यू प्रेरणा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. मैं एक्चुअली आपको पूरा रोल बताऊंगी तो मैं आपको स्पॉइलर दे दूंगी, और बाय. मैं स्पॉइलर देना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ आप भी जाके मेरा शो देखो. लेकिन मैं डेफिनेटली आपको बताती हूँ, किरदार का नाम है ईला वाजपेयी. ईला, ये लोग पांच भाई बहन है. ईला अपने ताऊ जी के साथ रहती है. ईला इकलौती वो लड़की है जो इस फैमिली में अडॉप्टेड है. बाकी चारों बच्चे जो इसके बड़े भाई बहन है वो ताऊ जी के सगे बच्चे हैं और ईला अडॉप्टेड है. तो पहली बात, ईला का किरदार अडॉप्टेड है. दूसरी बात, ईला का किरदार एक तरीके के नशे में इन्वॉल्व्ड है. उसका रीजन क्या है वो आप थ्रू आउट द सीरीज समझते हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि ये लड़की जो इतनी डिसेंट वेल बिहेव्ड है इसको ये सब करने की क्या जरूरत है. बट देन यू अंडरस्टैंड कि क्या उस लड़की के साथ हुआ है. और जो आपने चीखने वाला सीन देखा है वो एक्चुअली क्लाइमैक्स का सीन है, जहां पर एक ग्रैंड रिवील होता है कि ये लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ है. हर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो ईला है वो ये पूरा जो उसके साथ ट्रेजेडी हुई है और वो क्यों जैसी है वैसी वो है, वो बात कॉन्स्टेंटली दिव्येंदु से, जो कि सौरभ का किरदार निभा रहे हैं, माय फेवरेट को एक्टर, वंडरफुल पर्सन, दिव्येंदु से शेयर करती है. और उन दो भाई बहन, ये दो भाई बहन सबसे ज्यादा क्लोज हैं, बट मैं इससे ज्यादा आपको बता नहीं सकती हूँ. हाँ, ऑल्सो ईला कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रही है अपने वेट को लेकर. तो अभी तीन की पॉइंट्स कि वो शी इज एन ऑर्फन, शी इज अडॉप्टेड, उसका वेट का प्रॉब्लम चल रहा है मेजर, उसके कॉन्स्टेंटली दिमाग में उसका वेट गेन है, तो ये वाली एंजाइटी, अपने पेरेंट्स को मिस करने की एंजाइटी कि मेरी शादी में नहीं है, और उसके ऊपर से एक तीसरी प्रॉब्लम जो हम क्लाइमैक्स में रिवील करते हैं. अच्छा, इतने अच्छे, इतने बड़े स्टार कास्ट थे, कैसा लगा? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट? इट वॉज ब्रिलियंट, इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड. एक बहुत ही स्ट्रेंज बात मुझे मेरे बारे में लगती है कि लाइफ में, टच वुड, मैंने जिसके साथ भी काम करना चाहा है और मैंने जिसका भी काम दिल से अप्रिशिएट किया है और भगवान से मांगा है कि प्लीज मुझे एक शो इनके साथ दे दो या एक फिल्म इनके साथ दे दो, वो हमेशा हुआ है. पीयूष सर के मैं अस्मिता थिएटर ग्रुप से हूँ और पीयूष सर भी अस्मिता थिएटर में 2 साल थे, लेकिन मेरे ज्वाइन करने से बहुत पहले. पीयूष सर के कुछ गाने हैं जिनका, जो वो सिर्फ अस्मिता को देके जा चुके हैं, जो कहीं रिलीज नहीं है. तो जब मैंने एक्टिंग सीखना शुरू किया था, मैं वो गानों से एक्टिंग सीखी हूँ, मैं वो गाने गा गा के बड़ी हुई हूँ, मैंने थिएटर के 4-5 साल वही गाया है. तो जब मैं पीयूष सर से पहली बार मिली थी,
मैंने वो गाने, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उनको क्या हाय हेलो करूं, और मैं वो गाना गाते हुए उनके पास गई थी और वो मुझे देख रहे थे कि अस्मिता, मैंने बोला हाँ। तो उनसे सीखना, फिर मैंने उनको उनका बहुत सर खाया, उनसे सब क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि ऑल्सो मैं मेरा बहुत सिंपल फंडा है कि लाइफ में अगर मुझे सीखने का मौका मिलेगा तो मैं 100% किसी से भी, और स्पेशली अगर ऐसे स्टारवर्ल्ड आपके सामने हो, पीयूष मिश्रा, दिव्येंदु की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ, प्यार का पंचनामा 1 लिक्विड से। तो जैसे ही मैं इन लोगों के आसपास थी, ऑफ कोर्स पहली बात एक्सपीरियंस क्या, मैं तो दिन रात जितने भी शूटिंग आवर्स थे मैं इनको देख के बस इनको सुनती थी और सीखती थी, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, और शायद मैं हमेशा रहूंगी। तो बहुत ही अच्छा था, और इन लोगों ने जैसे मेरी हेल्प करी है वो उससे भी अच्छा था। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो कि शूटिंग के दौरान ये हुआ, कुछ फनी इंसिडेंट? इस शूटिंग के दौरान एक तो सीरियस किस्सा, सीरियस तो मतलब पता नहीं, बट क्योंकि मेरा नया नया कैमरा का एक्सपीरियंस है, मैंने इससे पहले सिर्फ स्टेज पे काम किया है, तो मुझे कैमरा, अभी भी कैमरा फेसिंग, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती है, मेरे डीओपीस काफी मुझसे नाराज रहते हैं। तो मुझे याद है, और मैं मिरर नहीं देखती हूँ लाइक मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस डू, व्हेन अगर मैं एक जोन में हूँ तो मैं शीशा नहीं देख पाती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं बुरी लग रही हूँ। तो मुझे याद है मैं अपना एक सीन कर रही थी और गौहर अपना शॉट को रोक के मेरे पास चल कर आई, और मैं डर गई कि मैंने कुछ तो गलत किया है। उन्होंने अपना कोम निकाला और उन्होंने मेरे बाल ठीक करना स्टार्ट किया। नाउ वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, उनके पास इतनी बड़ी टीम है, उनको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्हें लगा कि ये नई लड़की है, इनोसेंट है, नाइव है, इसको मालूम नहीं है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा ऑन्टराज नहीं था, तो उन्होंने आके ये किया। एक इंसिडेंट तो ये, और एक बार मैंने, मेरे दो कार्ड्स हैं जो पापा ने मुझे उस टाइम पर दिए हुए थे जब मैं खुद का पैसा इतना ज्यादा नहीं कमाती थी, और मैंने वो दोनों कार्ड्स खो दिए थे क्योंकि मैं बहुत केयरलेस। अच्छा, ये ड्यूरिंग शूटिंग हुआ, मतलब शूटिंग के दौरान आपने दोनों कार्ड खो दिए? हाँ, और मुझे शूट पे पहुंचना है अंधेरी से टाउन, 900 रुपए कैब का पैसा लगता है, 900 रुपए। मुझे आधा से कुछ 2000 का नोट निकाल के दिया, और उसके बाद 20 रुपया छुट्टा भी दिया कि जा रिक्शा भी ले लेना। और वो इतना फनी था, उसने इतने दिन मेरा मजाक उड़ाया कि क्या तेरे घर में दूध वूध है, बिना कार्ड के ऑर्डर कैसे हो रहा है, और पैसे दूं? फिर मैंने कार्ड के लिए अप्लाई किया, फिर मैं दिव्येंदु के पास वो 2020 का नोट वापस लेकर गई और एक चॉकलेट अलग से कि ये लो, तुम्हारा कोई एहसान मेरे पे नहीं है। सो हाँ, ये सब छोटी मोटी चीजें उस टाइम पर होती रहती थी। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया आप अस्मिता थिएटर से हैं, आपका थिएटर बैकग्राउंड है, तो डेफिनेटली एक लंबी दूरी लग जाती है एक्टिंग तक पहुंचने में। जैसे आप स्टेज से बहुत फैमिलियर हैं, लेकिन नो कैमरा से उतनी ज्यादा फैमिलियर नहीं है, तो कितना डिफिकल्ट था ये, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पहले एक सीरियल भी किया है, देन वेब सीरीज, हाउ डिफिकल्ट इट वॉज? प्रेरणा, एक ना मैं बात बहुत, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कुछ भी डिफिकल्ट, इजी, ये सब बातों में मैं मानती नहीं। मैं मानती हूँ कि अगर आप टैलेंटेड हो और अगर आप अपना काम ईमानदारी से और अच्छे से करते हो और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते हो, तो कुछ भी चीज़ डिफिकल्ट होती नहीं है। मैंने टीवी शो जो किया है वो पहले नहीं किया, वो एक्चुअली बाद में किया है, क्योंकि वो एक फाइनाइट शो था। लेकिन अगर हम मेरी जर्नी की बात करें, तो जब मैं दिल्ली में थी तो मुझे दिल्ली में ही काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स अप्रोच करने लग गए थे मेरे थिएटर की वजह से।
मुझे स्टेज पे ही लोगों ने नोटिस कर लिया था और उन्होंने मुझे बोला था कि आप आके ऑडिशन करो। वहीं पर मैं कविश से मिली थी और कविश ने मुझे उस टाइम पर काफी मेरे ऑडिशंस किए हैं, लेकिन कविश मुझे हमेशा ये बोलते थे कि मैं तुझे पिच नहीं कर पाता क्योंकि तू दूसरे शहर में रहती है और लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप मुंबई में हो ताकि आप मुंबई में काम कर पाओ, ताकि आपका अगर मुंबई में आपका घर है तो मुंबई में सेट है तो इट बी इजी, अदरवाइज आपको दिल्ली से लाके होटल में ठहराना पड़ेगा। कविश ने मुझे काफी चीजों के लिए उस टाइम पर भी ऑडिशन किया था, और भी कास्टिंग डायरेक्टर्स जोगी मलंग ने मुझे 3 फिल्मों के लिए ऑडिशन किया था दिल्ली में, लेकिन इन सब लोगों ने मुझे बस यही बात बोली थी कि जिस दिन आप बॉम्बे आ जाओगे, जिस दिन आप मुंबई आ जाओगे, उस दिन आपके पास हम आपको ऑडिशन करेंगे और हम प्रॉमिस करते हैं ये बात कि अगर आप ढंग से दोगे, अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको काम मिलेगा। और एक्चुअली वही हुआ मेरे लिए। ऑनेस्टली कोई जर्नी, सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग डेज, सी स्ट्रगलिंग डेज थे, ऐसा भी टाइम था कि खाना भी नहीं था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ये जो सब टर्म्स है, कास्टिंग काउच, ये सब टर्म्स है कि सड़क पे लाइन लगाते हैं, थैंकफुली या तो मैं बहुत लकी रही हूँ, मेरे साथ ये नहीं हुआ। मैं आई हूँ, मैंने ऑडिशंस दिए हैं और टच वुड मेरे ऑडिशंस बैक टू बैक क्रैक हुए हैं, तो वैसा स्ट्रगल मैंने फेस नहीं किया। और मैं सबको यही बोलती हूँ, मेरे इतने सारे थिएटर के जूनियर्स हैं जो आते हैं यहाँ पर और उनको लगता है पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि रॉकेट साइंस है ही नहीं, आप अपने आप को तो डेवलप करो, आप टैलेंट तो लाओ अपने अंदर, आप मेहनत तो करो और आप सही लोगों को अप्रोच करो, आप जहाँ फिट हो, ये चांस ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि इतने सारे आउटसाइडर्स हैं, तो ये ब्रेक इन करने का जो मिथ है कि इतना डिफिकल्ट है, ये है ही नहीं। अगर आप टैलेंटेड हो, इंडस्ट्री में बहुत काम है और सच में लोग बहुत एक्सेप्टिंग है आपके लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो मुझे लगा था शायद उनके साथ काम करना शायद डिफिकल्ट हो, ये तो ऑलरेडी बॉलीवुड में है, वन सेकेंड सॉरी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एवरीवन हैज ऑलवेज बीन वेरी वेलकमिंग, सबने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया ही है। अच्छा, जैसे थिएटर आर्टिस्ट को मैं देखती हूँ, उनको थिएटर करने में ज्यादा मजा आता है, यानी स्टेज पर वो ज्यादा कंपैरेटिवली सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो ये कैसे लगा कि यार नहीं, मुझे थिएटर में ज्यादा मजा आ रहा है, या फिर सीरियल करके मजा आया, या वेब सीरीज, देन क्या करके आपको सेटिस्फाइड फील हुआ, मजा जिसमें आपको ज्यादा आया? मुझे मजा तो दोनों में बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आता है और शायद इक्वली उतना ही, मतलब इक्वली मजा आता है, ऐसा कुछ मैंने बैरियर सेट नहीं किया है। लेकिन जब मैं थिएटर गई थी, मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि यहाँ मैं सीखने के लिए हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ही, जब से मैंने होश संभाला है तब से मुझे कैमरा पर आना था, तो मेरे लिए वो हमेशा से बहुत क्लियर था कि एक पॉइंट के बाद, वो पॉइंट काफी लंबा खिंच गया क्योंकि थिएटर से बहुत प्यार था, मैं 2 साल बाद नहीं गई, 3 साल बाद नहीं गई, मैं 5 साल बाद थिएटर को छोड़ पाई हूँ। और छोड़ना भी क्या, आप कभी थिएटर को नहीं छोड़ते, आप मैं अभी भी अपने अस्मिता के रिहर्सल्स में जाती हूँ, मैं अभी भी अपने गुरु से कॉन्स्टेंट टच में रहती हूँ, थिएटर कभी आपके अंदर से निकलेगा नहीं, लेकिन तू थिएटर में जिस तरीके का रिहर्सल, जिस तरीके का टाइम देना पड़ता है, एक दिन मैंने कॉन्शियसली वो डिसीजन लिया कि अब मैं वो अपने करियर की तरफ लूंगी या कैमरा की तरफ लूंगी। लेकिन हाँ, जो लोग बहुत प्यार, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा अलग मीडियम है, आप जब स्टेज पर खड़े होते हो और आपके आसपास एक डिम लाइट होती है और उसके अंदर 150, 300, 500 लोग बैठे होते हैं और आपके लिए तालियां बजाते हैं, तो वो एक अलग हाई अलग है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है डेफिनेटली। है। आप जब पर्दे के पीछे होते हो, वो जो नर्वसनेस है वो एक अलग एक्सपीरियंस है जो कैमरा पर नहीं होता। लेकिन जब आपका एक शो रिलीज होता है जिसके लिए आप रियलिस्टिकली मेहनत कर रहे हो और लोग आपका काम अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो छोटा सा ही किरदार क्यों ना हो, और आपको मैसेजेस आते हैं, आपको अप्रिसिएशन के कॉल आते हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस है और दोनों की अपनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और थिएटर शायद
ऐसा हो सकता है कि मैं अभी भी जिस जब भी मेरे पास टाइम हो जाके बोलूं कि एक सोलो करते हैं ना सर, तो वो कभी छोड़ना या वैसा कुछ होगा नहीं. मेरे पास जो टाइम होगा, जितना मैं जहां दे पाऊंगी मैं वहां दूंगी. अच्छा, तो ये थिएटर की बात भी हो गई, तो व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल? कि मूवीज में जाना है, वेब सीरीज करनी है, सीरियल्स में स्टक हो, मतलब आई मीन सीरियल्स में रहना है? प्रेरणा, मुझे थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा था व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, तो मैंने उसको बोला था आई वांट टू बी नंबर वन. एंड उसने मुझसे पूछा इसका क्या मतलब, मैंने बोला मुझे भी नहीं पता. क्योंकि जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, हो सकता है कि कल मैं एक स्टेज प्ले अनाउंस करके बोलूँ कि मैं सोलो कर रही हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालू, बोलूँ जिसको आना है देखो. और वो सोलो में भी मुझे मालूम है, वो प्ले में भी मैं पूरी मेहनत करूंगी, जितना रिहर्सल चाहिए मैं वो करूंगी, मैं जी जान लगा दूंगी. अगर मैं कल को एक वेब शो करती हूँ मैं उसमें भी उतनी मेहनत करूंगी. अगर कल को मैं एक फिल्म करती हूँ, बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर किसी भी और कंट्री की, वर्ल्ड सिनेमा की कोई भी फिल्म मैं करती हूँ, मैं उसमें भी उतनी ही मेहनत करूंगी. जब मैं बोलती हूँ मुझे नंबर वन बनना है, तो वो कहाँ, कितनी ऑडियंस, कितना पैसा नहीं है, वो मेरा क्राफ्ट और मेरी मेहनत है. कि मुझे मैं चाहती हूँ मैं लाइफ में ऐसा काम करूं कि उधर कोई क्वेश्चन ना कर पाए. और मैं अपना काम बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज करती हूँ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा बारीकी से देखती हूँ, और हमेशा अपने आप को ऐसे सोचती हूँ कि शिट सॉरी. अच्छा, कोई एक्टर्स की लिस्ट आपने माइंड में बनाई हुई है कि यार इनके साथ तो मुझे फॉर श्योर काम करना ही है? बहुत एक्टर्स की लिस्ट, और उसमें से काफियों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे अभी बोलना अलाउड नहीं है. लेकिन हमेशा से मुझे आलिया भट्ट बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे रणबीर कपूर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे रणवीर सिंह बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे दीपिका बहुत अच्छी लगती हैं. इनके अलावा अगर जो नए जनरेशन के एक्टर्स है उसमें से मुझे सिद्धांत चतुर्वेदी, कार्तिक आर्यन बहुत अच्छे लगते हैं. इनके अलावा मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, के मेनन, मुझे इन सबके साथ अमिताभ बच्चन, मुझे इन सबके साथ काम करना है. और मैं बस मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं जल्दी 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 ये कर पाऊँ और लाइफ में कभी उस स्टेज पे पहुंच पाऊँ जहाँ लोग बोले मोनिका चौधरी, right. तो वहां जिस तो ये बोल देंगे कि मुझे मॉनिका. कोई ऐसा एक्टर जिसको आप बहुत अडोर करते हो, लाइक बहुत ज्यादा ये लगता है कि ये नहीं यार बस इनकी तरह मुझे बनना है या फिर इनसे कुछ चीजें लेनी है? रणबीर कपूर वो शायद मुझे लगता ही नहीं कि उनसे स्ट्रॉन्ग एक्टर, आई मीन इट्स टू बिग अ स्टेटमेंट, लेकिन मुझे नहीं लगता उनसे स्ट्रॉन्ग एक्टर हमारी इंडस्ट्री में है भी. और आलिया भट्ट बिल्कुल. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये सीरीज देखो बहुत सारी सीरीज आती हैं, बहुत सारे वेब शोज आते हैं और तमाम सारी वेब सीरीज आती रहती हैं जाती हैं, लेकिन ये सीरीज ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए? बहुत अलग अलग तरीके की, बहुत अलग अलग जॉनराज आते रहते हैं. ये एक फैमिली ड्रामा है जो कि ज्यादातर जो आजकल कहानियां बन रही हैं उससे काफी अलग है, और काफी बारीकी से और काफी रिलेटेबल तरीके से आजकल के रिश्तों को डिफाइन करती है. अगर आप ये सीरीज देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं तो लगेगा कि ये मेरी भी कहानी है. तो मुझे लगता है इसलिए नंबर वन. नंबर टू, मुझे लगता है कि इस सीरीज में जो कलाकार हैं, दिव्यंदु, पीयूष मिश्रा, गौहर, प्रणय पचौरी, जितिन गुलाटी, मनीष, सब लोग ने बहुत ही ज्यादा उम्दा काम किया है, तो उस परफॉर्मेंस के लिए भी मुझे से लगता है कि ये शो देखना चाहिए.
बिल्कुल मोनिका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर ऑडियंस आपकी एक्टिंग के लिए जरूर देखेगी ये मूवी, ये सीरीज, क्योंकि आपने डेफिनेटली बहुत मेहनत की है और बहुत डिफिकल्ट आपकी जर्नी है, जैसा कि मुझे आपसे बात करके समझ में आया।